आज हम जानेंगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कैसे काम करता है। ये जो दो मोटर दिख रहा है इसमें से एक है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और एक है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों मोटर को खोलेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमने दोनों मोटर को खोल लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, फिर हम स्लिप रिंग देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये कॉपर जैसा स्टेटर में जो कॉयल रहता है वही कॉयल को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसी कॉयल में थ्री फेज सप्लाई दिया जाता है और इसी में होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इसी में, ठीक है। और अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, देखो इसके अंदर रोटर घूम रहा है। तो ये है स्क्विरल केज रोटर, ठीक है। रोटर के अंदर क्या होता है आपको पता है, अगर रोटर को खोलेंगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, कॉपर की कुछ बार निकलेगा, एंडरिंग निकलेगा, ठीक है। ये जो रोटर है, इस रोटर का रेजिस्टेंस फिक्स होता है, इसे हम वेरी नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ये जो स्टेटर का जो कॉयल है वो आपको दिख रहा है, उसके अंदर देखो रोटर दिख रहा है, लेकिन ये रोटर अलग है। ये रोटर जो है ये वाउंड टाइप रोटर है, ठीक है। इसके अंदर वाइंडिंग किया हुआ है, देखो ठीक से देखो, वाइंडिंग किया हुआ है। ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये है वाइंडिंग, ठीक है। ये वाइंडिंग का कनेक्शन टाइप स्टार है, मैं आगे डायग्राम में आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। ये जो वाइंडिंग्स है सब वाइंडिंग इस स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर तीनों स्लिप रिंग्स है, ठीक है, इस स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है। अब इस स्लिप रिंग के साथ देखो और एक स्टार्टर कनेक्टेड है। ये जो स्टार्टर बॉक्स है इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस स्टार्ट स्टार्टर, ठीक है। ये स्टार्टर का एक स्विच है ऑन करने के लिए और देखो एक हैंडल है जिसके मदद से हम रेजिस्टेंस को आसानी से वेरी कर सकते हैं। ये जो मोटर है मेनली हम क्या करेंगे, स्टार्टर की मदद से ये जो रोटर का जो रेजिस्टेंस है उसे हम वेरी करेंगे, ठीक है। इसके अंदर रेजिस्टेंस रहता है जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, तीनों रेजिस्टेंस इसका कनेक्शन स्टार में हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हैंडल को घुमाकर ये जो रेजिस्टेंस है इसे वेरी करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू है 200 ओम, ठीक है। स्टार्टिंग के कंडीशन में हम इसे मैक्सिमम रखेंगे, जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाएगा हम क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है ये धीरे धीरे घटाएंगे, मतलब नीचे करेंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। एक टाइम पे आएगा रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा और आपका स्लिप रिंग शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम थ्री फेज सप्लाई स्टेटर में देते हैं, जैसे ही हम थ्री फेज सप्लाई स्टेटर में देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसी का इफेक्ट रोटर पे पड़ता है। अब रोटर क्लोज सर्किटेड होता है तो रोटर के अंदर से एक करंट फ्लो होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। और मैंने वहाँ पर दिखाया था कि कैसे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। तो जैसे ही इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है और क्लोज सर्किट होने की वजह से जैसे ही रोटर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो तब क्या होता है, रोटर के अंदर एक टॉर्क लगता है। जैसे ही टॉर्क लगता है रोटर घूमना चालू कर देता है, ठीक है। अब ये जो स्टेटर का कनेक्शन है इसे मैं लेफ्ट साइड में दिखा रहा हूँ, देखो डायग्राम में देखो, स्टेटर का सप्लाई मैंने थ्री फेज दिया है और ये जो आपका स्टार कनेक्शन दिख रहा है ये है आपका आर्मेचर का कनेक्शन, मतलब रोटर का कनेक्शन, ठीक है। जो स्टार का कनेक्शन है वो तीन वायर ऐसे ही जाकर स्लिप रिंग्स में कनेक्ट हुआ है, ठीक है। स्लिप रिंग्स के साथ तीन रेजिस्टेंस कनेक्ट है वेरिएबल, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है कि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग का कंडीशन में जैसा मैंने बताया था मैक्सिमम होता है, जैसे ही मोटर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसी समय देखो मैक्सिमम है, ठीक है। जैसे ही रनिंग कंडीशन में, जैसे ही मोटर स्टार्ट हो जाएगा रनिंग कंडीशन में चलाएगा तब क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये धीरे 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 घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मतलब हैंडल को हम नीचे करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस नीचे आएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा, एक टाइम पे ऐसा आएगा रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा और आपका स्लिप रिंग पूरा शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, ठीक है। तब मोटर फुल्ली रनिंग कंडीशन में चला आएगा,
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है और स्टार्टिंग करंट बहुत कम। लेकिन स्क्विरल केज मोटर में स्टार्टिंग करंट बहुत हाई होता है और स्टार्टिंग टॉर्क बहुत लो। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।